हेलो एवरीवन, तो आज साफ साफ शब्दों में हम सिमिली और मेटाफर पोएटिक डिवाइस के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। ये बहुत इजी है, पता नहीं बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं दोनों के बीच में। दोनों काफ़ी अलग हैं, हाँ, और दो उन दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों में कंपैरिजन की बात हम कर रहे होते हैं। साफ साफ शब्दों में सीखते हैं कि क्या होता है सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सिमिली पोएटिक डिवाइस, we talk about two different things. We say कि A is like B. Suppose there is a thing A और there is a thing B. हम कहेंगे कि A is like B, ठीक है, या फिर हम कहेंगे A is as dash as B. We are comparing A and B using the word like and as, right? We can say here कि A is as big as B. A एक ऑब्जेक्ट है, B एक दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, हम उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं बोलकर A is like B, A B की तरह है, या फिर A is as dash as B, okay, ये होगी सिमिली की बात। बट इन मेटाफर what we do is हम कह देंगे डायरेक्टली कि A is B, जो A ऑब्जेक्ट है वो B है भैया, कोई लाइक नहीं कोई as नहीं, हम सिंपली बोल देंगे कि ये ऐसा है। अच्छा, इस चीज़ को ज़रा समझते हैं हम। पता है हमारी डेली लाइफ में, आसपास में हमारी मम्मियाँ मेटाफर और सिमिली का इस्तेमाल करती हैं, कैसे? देखो, मान लो आप अपने भाई बहन के साथ लड़ रहे हो, तो मम्मी क्या कहेंगी, क्यों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो, राइट? मतलब आपकी फाइट को कुत्ते बिल्ली के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो आपकी मम्मी क्या कहेंगी, व्हाई आर यू फाइटिंग लाइक कैट एंड डॉग। तो यहाँ पर लाइक का इस्तेमाल किया गया, ये सिमिली है। अब आपकी मम्मी मान लो यही चीज़ अपने पड़ोसी को बता रही हैं कि मेरे बच्चे ना हमेशा कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं, तो वो ही कहेंगी कि मेरा जो बेटा है वो एकदम कुत्ता है और मेरी बेटी बिल्ली। आपकी मम्मी ने सीधा आपको वो एनिमल्स बोल दिया है ना, शील से कि दे लिटरली आर कैट एंड डॉग। यहाँ पर लाइक और एज नहीं बोला, उन्होंने सीधा बोला कि ये मेरे दो बच्चे, दोनों जानवर हैं। समझ आया हमें सिमिली और मेटाफर क्या होता है? सिमिली में हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं लाइक और एज का इस्तेमाल करके, लेकिन मेटाफर में हम ए को ही बी बोल देते हैं। देखो एक और एग्जांपल सिमिली का, ही इज लाइक माय सनशाइन। देयर इज अ पर्सन हु ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन माय लाइफ, तो मैं उसको बोल रही हूँ ही इज माय सनशाइन, सॉरी ही इज लाइक माय सनशाइन, ही इज लाइक माय सनशाइन, या फिर ही इज एज ब्राइट एज सनशाइन। यहाँ लाइक और एज का इस्तेमाल किया, मैंने एक इंसान को सनशाइन के साथ कंपेयर किया बाय यूजिंग द वर्ड एज एंड लाइक। लेकिन मेटाफर में अगर मुझे इसी चीज को बोलना है तो मैं कहूंगी ही इज माय सनशाइन, ही इज माय सनशाइन, ए इज बी। चीज समझ आ गई? बस दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। एक और एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि शी इज एज ब्यूटिफुल एज अ पिक्चर, एक लड़की है वो एकदम खूबसूरत है एक पिक्चर की तरह, या फिर मैंने बोला शी इज लाइक अ पिक्चर, ठीक है, उसकी सुंदरता को मैंने एक पोर्ट्रेट एक पिक्चर के साथ कंपेयर कर दिया। इसी चीज को मेटाफर में कैसे बोलूंगी, शी इज अ पिक्चर, शी इज अ पोर्ट्रेट। चीज क्लियर है? ओके, सिमिली में सिंपली हम बोलते हैं ए इज लाइक बी और ए इज एज डैश एज बी, बट इन मेटाफर वी से ए इज बी सिंपली। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। इसके अलावा और कुछ नहीं है, इतनी सी बात है। चलो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, आगे आने वाले वीडियोज में हम बाकी के पोएटिक डिवाइसेस को कवर करेंगे। आपको डिफरेंस समझ आया दोनों के बीच में तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो आपसे मिलते हैं हम आगे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।